हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? ज्योतिष विद्या में यंत्र के बारे में बताया जाता है और ऐसे ही यंत्र के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहती हूं, और वो है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र को घर में स्थापित करने से यकीन मानिए हमें धन धान्य की समस्या कभी भी नहीं आती है, और अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो हमको धन से रिलेटेड कभी भी समस्या नहीं आएगी। आइए मैं आपको बताती हूँ इसकी स्थापना कैसे करते हैं। इसकी स्थापना फ्राइडे वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन स्थापना कीजिए। उत्तर दिशा में इसको लगाइए। लगाने से पहले दूध, फूल, गंगा जल से इसकी शुद्धि कीजिए, धूप बत्ती दीजिए और ओम कुबेराय नमः का जाप जरूर कीजिए। अगर आप दिवाली वाले दिन इसकी स्थापना करते हैं तो ये अति उत्तम होगा। आइए इसके साथ जुड़ी एक छोटी सी कथा मैं आपको बताना चाहूंगी। कुबेर पहले एक ब्राह्मण थे। उनका मन बड़ा साफ था और बहुत ही अच्छे विचार थे उनके, लेकिन धीरे धीरे उनकी संगत बुरे लोगों के साथ पड़ गई। उनका मन मैला हो गया, जिस करके वो एक दिन जंगल में भाग गए। जंगल में चले तो गए, लेकिन भूख से तड़पते रहे, उन्हें कहीं भी खाना नहीं मिला। तभी उनको एक मंदिर दिखाई दिया, वो शिव मंदिर था और उस दिन शिवरात्रि भी थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं यहां से भोजन चुरा लूं। लेकिन मंदिर था, मंदिर में भक्त जन थे, तो वो इस काम में कामयाब नहीं हो पाए। इस ब्राह्मण ने सोचा कि चलो मैं लोगों के सोने का इंतजार करता हूं, और रात को उन्होंने प्रसाद चुराने का सोचा। जब वो रात को प्रसाद चुरा रहे थे, उनको ब्राह्मण ने, उनको वहां के पुजारी ने देख लिया और बाण चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जब यमदूत उनको लेके जा रहे थे तो शिव जी ने यमदूत को रोका और बोला कि उनको वापस लाया जाए। शिव जी ने उस ब्राह्मण से बात की और बोला कि वो उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है और उनको उनके सारे पापों से मुक्त करना चाहते हैं, और तभी से ये ब्राह्मण कुबेर के नाम से जाने लगे। शिव जी ने इनको ब्लेसिंग्स दी कि ये जिस घर में विराजमान होंगे उस घर में धन की कमी कभी भी नहीं रहेगी। तो प्रिय दोस्तों, आप भी कुबेर यंत्र की स्थापना फ्राइडे वाले दिन कीजिए और पूजा पाठ करिए, धूप बत्ती कीजिए। आपके घर में धन धान्य की कमी कभी भी नहीं होगी। आप लोग वेट किस चीज का कर रहे हैं? प्लीज लाइक, शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट। माई नंबर इज बींग डिस्प्लेड, यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर। सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।